गाइस एक और नई जर्नी आज है 16 फरवरी। तो अभी मैं हूँ टर्मिनल 3 दिल्ली में और यहाँ से मुझे जाना है दुबई। तो गाइस अभी तो मुझे सबसे पहले जो मैं जो काम करूँगा वो सब कुछ जो है आपको A to Z यहाँ पे मैं कवर करूँगा, ठीक है। आपने कहीं सारी वीडियो देखी होगी लेकिन ये इस वीडियो में जो है आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपने 3000 में जो है अपनी टिकट कैसे मैंने बुक करी, वो भी एमिराइट्स की। तो सब कुछ जो है आपको इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। अब सबसे पहले तो आप देख लो 8 नंबर गेट पे आपको आना है और आने और जाने का टिकट कर लेनी है। और 8 नंबर गेट में जब आते हैं तो आपको PCR टेस्ट करवानी होती है यहाँ पे, और रिपोर्ट जो है 3.5 घंटे में मिल जाती है आपको। रिपोर्ट 3.5 घंटे में मिल जाएगी यहाँ पे। तो मैंने ना पहले से ही मैंने करा लिया था, जब सबसे पहले जब मैं आ गया था यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने करा लिया था रिपोर्ट सब कुछ। तो अभी मैं यहाँ से रिपोर्ट लेता हूँ अपने लिए, और 8 नंबर गेट ये है, 8 नंबर गेट, 8 नंबर गेट से ही आपको मिलना है। और यहाँ पे देखो ये बैठे होंगे, यहाँ से रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिपोर्ट जो है आपको लेनी है बस। हाँ तो मैंने तो सबसे मैं वो 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है। तो मेरा तो यार हो गया था सबसे पहले। तो मैं यहाँ से रिपोर्ट इनसे मैं मांगता हूँ, इनसे मैं रिपोर्ट मांगूँगा और यहाँ से मैं रिपोर्ट लूँगा और निकल जाऊँगा मैं अपना, ठीक है। निकल गया भाई, अरे दे दे फिर बच गया तू यार, अंदर आ गया भाई। कोविड का जो है रिपोर्ट नहीं निकल रही, उनसे प्रिंटर ख़राब हो गया यार। वहाँ पे 1 घंटा मेरा बिल्कुल वेस्ट हो गया, बिल्कुल ही 1 घंटे का यकीन नहीं था कि 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, साला पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। जे है जे यहाँ पे जाना है मुझे, साला बिल्कुल ही वेस्ट हो गया यार। कोई नहीं, अभी यहाँ पे बिल्कुल निकालता हूँ एमिराइट्स में। एमिराइट्स का काउंटर खुला है? खुला हुआ भाई, इस तरफ खुला हुआ है पूरी की पूरी। चलो यार, भीड़ नहीं है गाइस। बोर्डिंग मैंने ले लिया है, बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स रख रखा है यार। तो यहाँ से आपको एक फेस शील्ड वगैरह जो है आपको मिलेगा। तो इसके बाद जो है मुझे जाना है इमिग्रेशन के बाद मुझे जाना है सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी के बाद जो है मुझे बोर्ड करने जाना है, ठीक है। तो मैं इमिग्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हो इमिग्रेशन में जाऊँगा, उसके बाद क्या बोलते हैं सिक्योरिटी में जाऊंगा, उसके बाद चेकिंग के लिए जाऊंगा। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता है तो इसलिए मैं यहाँ पे कैमरा वैमरा यूज़ नहीं करूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा, बाद में जो है मिलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। यार फाइनली मैं आ गया, बोर्डिंग हो चुका है, मतलब बोर्डिंग का पास मैंने ले लिया है और उसके बाद इमिग्रेशन मैंने पूरा कर लिया। इमिग्रेशन में मुझसे क्या क्या पूछा भाई? ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करते हो, और आपके जो है अगर आपने प्रीवियसली कोई भी ट्रैवल किया हुआ है तो उसके बारे में पूछ लेंगे कि आपने जो है प्रीवियसली कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है। तो इसके बारे में बस इतने ही पूछते हैं। उसके बाद तो सिक्योरिटी चेक आता है, सिक्योरिटी चेक में तो बस अगर आपने लिक्विड कुछ ले रखा है, मान लो जूस का है कुछ भी है, तो भाई वहाँ पे आपको पी कर दिखाना पड़ेगा। हाँ उसके बाद आप रख सकते हो, वेस्ट मत करना बिल्कुल भी कि वहाँ पे छोड़ के आ जाओ आप। उसके बाद बस सिक्योरिटी वगैरह हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी यार, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी एमिराइट्स में। मुझे लग रहा है अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा एमिराइट्स के साथ, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो वो भी आपको बताऊँगा जेन्युइनली। और यहाँ पे मेरी जो बोर्डिंग पास है यार, बिल्कुल ऐसा हो गया था भाई, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे लगा था कि मैं एक पल के लिए तो बहुत लेट हो जाऊँगा। जैसे कि अभी ना 40 मिनट्स पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, तो बोर्डिंग टाइम के लिए अभी टाइम है 9:50 पे है मेरे तो जो बोर्डिंग होगा, तो अभी तो बहुत मुझे टाइम है। अभी तो यार बिल्कुल ना टायर्ड हो चुका हूँ, क्योंकि भाई ये सीन हुआ था, जो कोविड का जो टेस्ट होता है वो तो मैंने परसों करा ली थी बिल्कुल ही, क्योंकि मैं बेंगलोर से आया था तो मैं परसों करा लिया था मैंने। उसके बाद क्या सीन हुआ यहाँ पे आने के बाद, वो कह रहे प्रिंटर ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया। भाई 1 घंटा मैं वेट करता रहा, 1 घंटे के बाद जो है भाई आखिर में वो किसी और प्रिंटर का कार्टेज वगैरह लगाया, फिर वो जब निकला ना तब सुकून मिला। तब से दौड़ दौड़ के आया यहाँ पे और देखा तो यार यहाँ पे बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी, तो जल्दी से जल्द सब कुछ हो गया मेरा। और बस गेट नंबर है मेरा 1B, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ 1 से
26 तक गेट्स है सारे के सारे। तो एक मिनट कैमरा ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ 1 से 66 तक क्या है, तो यहाँ पे बिल्कुल यार बिल्कुल बढ़िया रहेगा। यहाँ से फिर मैं निकलता हूँ, यहाँ पे चलते 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 ही मुझे लग जाएंगे टाइम लगता है यार, ये बहुत काफ़ी है। मतलब 1B तो यहीं पास में ही है तो बिल्कुल आ जाएगा मुझे। ड्यूटी फ्री है यहाँ पे, ड्यूटी फ्री से तो मैं कुछ लूँगा नहीं फ़िलहाल। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मेरे लायक तो मैंने सब कुछ ले लिया यार, मैं पीता वेता तो हूँ नहीं। भाई 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 मेरे साथ तो सीन ही सीन होते जा रहे हैं यार। पता है क्या हुआ, मैं कैश लेने ही भूल गया। सबसे बड़ी गलती देखो मैंने क्या किया, मैंने कैश लेने ही भूल गया। और यहाँ पे मेरे पास कैश थे ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं। मतलब ये होता है कि भाई 5000 समथिंग थे, तो मुझे ना 200 दिरहम वगैरह मिल गया यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं हुआ। मैंने कहा काम चल जाएगा, होटल जाने तक जो है मेरा काम हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी तो मैं सिम कार्ड लूँगा, सिम कार्ड का देखते हैं क्या सीन है, कितने का प्राइस पड़ता है। और अभी तो मैं आ चुका हूँ, बस फ्लाइट यार बोर्डिंग शुरू हो जाएगी 30 मिनट में, तो बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। भाई से पूछते हैं सिम कार्ड क्या रेट दे रहे हो भैया। हाँ दुबई हैव टू प्लान्स फॉर दुबई सर। ओके फर्स्ट वन इज 4305 इंडियन रुपीस में ना। यस सर। ओके इंडियन रुपीस 4305। डेटा इज अनलिमिटेड, इनकमिंग कॉल इज फ्री। डेटा अनलिमिटेड, स्पीड क्या होगी इसकी। ऑब्वियसली सर 15 GB डेटा, हाई स्पीड 4G आफ्टर 3G। 15 GB 50 या 15? 15 अच्छा, नहीं मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए यार। मैंने सिम ले लिया मैट्रिक्स, यहाँ पे IGH3 में जो है था 3200 के समथिंग मुझे पड़ा। पर मैंने सोचा यार कि वहाँ पे जाके करने से अच्छा है कि यहीं से ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचने वाली है नहीं मुझे इससे। और जो है 5 GB जो है हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी, मतलब 4G इंटरनेट मिलेगी। और 5 GB के बाद जब है वो 3G जो है इंटरनेट मिलेगी। मतलब ये है कि मैं YouTube उसका लोकेशन सब कुछ जो है मैं देख सकता हूँ, और कहीं अटकूँगा नहीं, मतलब वहाँ पे कुछ सीन नहीं होगा। और सारा सेटिंग करके दे दिया है, और उनका नंबर भी मैंने ले चुका हूँ। अगर बाई चांस नहीं चलता है तो भाई इसलिए मैंने नंबर लिया है। गेट नंबर 1B है मेरा, अभी तो यही चल रहा है यार साला। भाई बहुत ऐसा हो गया भाई, पता नहीं सबसे गंदा सीन ये हुआ यार मेरे एक्सपीरियंस। कोविड का जो टेस्ट का जो रिपोर्ट लेनी थी ना मुझे, उनका प्रिंटर नहीं चल रहा था साला, इसीलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, बस मैंने जो है दिरहम मुझे बहुत कम मिले हैं, 250 दिरहम के आसपास जो है मेरे पास है, तो वो भी चल जाएगा मुझे। कैसे ना कैसे मैं चला लूँगा इसको, और जैसे होटल चला जाऊँगा फिर वहाँ से तो एक्सचेंज में मैं करवा ही लूँगा एक्सचेंज सब कुछ। फ़िलहाल तो यार मैं देख लेता हूँ मेरा फ़्लाइट एमरेट्स कितने कहाँ पे हैं। 10:35 फ्लाइट वगैरह दुबई, एक नंबर गेट है यहाँ पे लिखा है ना, एक नंबर 10:35 एमरेट्स दुबई एक नंबर। अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, हो जाएगा पर अबे साल। अरे यार इसमें ना एक सीन मुझे अच्छी इसलिए नहीं लगती, ये सीन बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है इंचोर यहाँ पे। बहुत ज़्यादा चलना पड़ता भाई, तो वहाँ पे आप देख रहे हो सामने ही है एक नंबर गेट। तो फाइनली बस यहाँ से जो है बैठ के फिर समझाऊंगा मैं आपको कि मेरा जो है बुकिंग 3000 में कैसे है। भाई मैं बता दूँ पहले क्या है कि मेरे पास ना MMT से ही मैं बुक करता हूँ, सिंगापुर वगैरह जो ट्रैवल मैंने किया हुआ है, व्लॉग्स वगैरह मैंने बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हो। उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत यार मेरे पास ना होल्ड थे, मतलब कैश वगैरह जो है MMT का कैश वगैरह मेरे पास होल्ड था, इसीलिए जो है मैंने वहाँ पे ज़्यादातर जो है वहाँ पे मैंने खर्च किया नहीं था, तो यहाँ पे मुझे यूज़ में आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लगे 3000 के आसपास लगे, और यहाँ पे सिर्फ 3000 में मैं ट्रैवल करूँगा अब एमरेट्स के साथ। भाई आज तक का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, देखो कितना, मतलब यार बिल्कुल डिसिप्लिन है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है बिल्कुल यार हाँ बिल्कुल क्लास है। तो यहाँ से जो है मैं बोर्डिंग पास लेके जो है यहाँ से अंदर जाऊँगा, अंदर जाने के बाद जो है मैं आपको कवर करता हूँ क्या क्या है। वेट कर लीजिए आप।
यहाँ से मेरा हो चुका है बस, अब जो है मैं बैठ जाऊँगा। अभी तक तो बिल्कुल मस्त रहा है मेरी एक्सपीरियंस, और यहाँ पे मैं देखता हूँ फूड वगैरह जो है क्वालिटी कैसे क्या रहेगा, सब कुछ जो है मैं देख सकता हूँ। अभी तो मैंने जो सीट मैंने बुक करी थी वो विंडो सीट थी और बिग वन है, तो फ्लाइट जो है काफ़ी बड़ी है। लोग तो दिख नहीं रहे थे यार, यहाँ पे तो काफ़ी बैठे हुए हैं ऑलरेडी। फाइनली बोर्ड हो चुका हूँ और बैठा हुआ हूँ अभी, और यहाँ पे फेस मास्क वगैरह मैंने सब कुछ लगा लिया है यार, बिल्कुल विंडो सीट है। लेकिन एक गलती होगी मेरे से यार, गलती ये हुआ कि भाई मैंने विंडो सीट मैंने जल्दी जल्दी में जो है बुक कर दी, और मुझे पीछे करना दिया था, और मैंने काफ़ी आगे कर दिया, बीच में हो गया मैं बिल्कुल ही। आप देख सकते हो यहाँ पे यार कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, और यहाँ से दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ से थोड़ा वो दिख रहा है यार, किस्मत है आगे थोड़ा सा और आगे मैं कर देता ना तो कुछ भी नहीं होता, पंखे को ही देखना पड़ता फिर मुझे। तो यहाँ पे बिल्कुल यार रूम अच्छा है, मतलब इमराइट्स का बिल्कुल सीन काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल इंफॉर्मेशन वगैरह जो है एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ पे आप एंटरटेनमेंट कुछ भी आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे बिल्कुल मूवीज़ वगैरह सब कुछ है। इंफॉर्मेशन अगर इंफॉर्मेशन चाहिए जो भी चाहिए आपको, टुडेज़ फ्लाइट वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, और कम्युनिकेशन अगर बात कुछ करना चाहते हो तो सब कुछ जो है हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से क्या हो सब कुछ जो है यहाँ पे पेन आप अपने USB से चार्ज कर सकते हो, और यहाँ से एक वो भी मिलेगा आपको, हेडफोन मिलेगा यहाँ से, आप मांग लेंगे क्रू से तो हेडफोन भी आपको मिल जाएगा, उससे जो है गाने वगैरह सुन सकते हो सब कुछ। तो बिल्कुल यार सही है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस जो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मस्त होने वाला है। अब खाना वगैरह देखना पड़ेगा इनका खाना कैसा है क्या है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो देखते हैं इनके खाने वाने का क्या सीन है। तो फिलहाल मैंने बस ये वाला ले लिया था, मैंने ये ले लिया था साल है लगा के जो है, फिर सो जाऊँगा मैं थोड़ी देर बस, और बस अभी बोर्ड होने ही वाला है। तो वही फाइनली जो है दुबई पहुंचने जा रहा हूँ बस, तो बस विद इन मुझे लग जाएंगे यार 4 घंटे लगा लो, मोर और लेस 4 घंटे लग जाएंगे जाने में। सो गाइस यहाँ पे खाना मिल गया है मुझे, खाने में बस बर्गर है एंड खीर है, बस यही है सब कुछ। तो नॉर्मली जो है खाना बहुत बढ़िया होता है यार, ये भी मस्त है, फ्रूट जूस भी दिया हुआ है इन्होंने, तो ये खा लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो एमिरेट्स हैं, बहुत बढ़िया फ्लाइट लगा, और खाना भी बिल्कुल मस्त था यार, बिल्कुल बिंदास था खाना, सबसे बेस्ट था। और अभी जो है देखते कहाँ पे जाते हैं यार, कोविड टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट के बाद जो है मुझे बाहर जाना होगा, एंड मैंने सुना है रिपोर्ट जो है 10 या 12 घंटे के अंदर तो आ ही जाती है रिपोर्ट, तो फ़ोन में ही आ जाएगा बिल्कुल रिपोर्ट सारी की सारी। तो अभी यहाँ पे भी कोविड टेस्ट होगा, फिर मुझे क्वारंटाइन रहना है, तब तक बाहर में निकल नहीं सकता, उसके बाद घूमने वूमने निकलूँगा, तो इसमें तो टाइम लग ही जाएगा मुझे। सलाह अभी तक मिला नहीं यार कोविड वाला, इतना चल लिया चल चल के पैर दुख रहे, अब बहुत ज़्यादा चल लिया है इसकी आँख, इतनी दूर है, फिर चलते जाओ भाई साहब, बहुत। फाइनली मिल गया है कोविड, यहाँ पे टेस्ट होता है, तो यहाँ से पूरी टेस्ट होने के बाद जो है हम लोग फिर जो है क्वारंटाइन होना पड़ेगा, 10 से 12 घंटे लगते हैं मेरे हिसाब से, कुछ अराउंड 12 आवर्स लगते हैं, उसके बाद जो है हम लोग कहीं पर भी एक बार टेस्ट आने के बाद एक बार कहीं पर भी फिर जा सकते हैं। भाई कोविड टेस्ट भी हो गया है,
भाई इतना अंदर तक डाल दिया ना बंदे ने, फट गई मेरी भाई साहब, ऐसा लग रहा था ठीक आ जाएगी बिल्कुल। पहुंच गया यार, फाइनली हो गया है, अपना नंबर बताया मैंने, अब यहाँ से जाना है मुझे लेफ्ट साइड से निकलते हुए। अब भाई अपना होटल जाके वहाँ पे रुकना है मुझे, और वहाँ पे अब पता नहीं है रिपोर्ट कब तक आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अरे यार नाक बह रही है मेरी, इतनी ज़ोर से डाला ना साड़े ने अंदर से, मेरा मन कर रहा था वहीं पे कि कुछ नहीं क्या कर सकता हूँ यार, उनका काम है और कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बस अभी यार चलते जाओ चलते जाओ। अबे भाई दिल्ली से तो 3 गुना ज़्यादा चलना पड़ता है यार यहाँ पे, बिल्कुल पूरी पूरी। तो भाई इमिग्रेशन यहाँ पे भी हो चुका है यार, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ हो गया है यहाँ पे भी यार। इतना आसान इमिग्रेशन भाई साहब, मुझसे उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कहाँ से आ रहे हो, कितने दिन रहोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कुछ नहीं पूछा। बस पासपोर्ट लिया, एंट्री करा, अपना फ़ोटो क्लिक हुआ, बस निकलो, बस इतने ही। कैश भाई एक और बात बताता हूँ आप लोगों को यार, मेरे पास ना बिल्कुल ही कैश नहीं है। भाई बिल्कुल भी नहीं है, बस 200 दिरहम है मेरे पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास यार। मैं भूल गया कैश वैश वगैरह, अब पता नहीं देखो क्या होता है कि क्या करता हूँ मैं कैश वैश के लिए सब कुछ, अभी तो फ़िलहाल पता नहीं है, देखना पड़ेगा। क्या सीन है। तो अभी तो एग्ज़िट लेंगे, मेरे बैगेज कुछ नहीं है, बस एक ही लगेज ये लेकर आया था मैं, और तो कुछ है ही नहीं अभी के लिए, तो यही था। और नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं कवर करूँगा ATM से आप पैसे लेते हो तो कितना कटता है, आपके ट्रांजेक्शन फ़ीस कितना कटेगा, सब कुछ मैं जो लाइव दिखाऊँगा आप लोगों को। फिलहाल इतना ही है, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो कर लो भाई, वहाँ पे भी जो है मैं स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ, और आपको आप लोगों को भी जो है वहाँ पे जल्दी से जल्द रिप्लाई मैं कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम की आईडी जो है, हैंडल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। आई होप आप लोगों को सब कुछ मैंने कवर किया है दिल्ली मतलब दुबई आने के लिए, और भी जो मेरे ट्रिप्स होंगे वो सारे कवर करूँगा। फिलहाल इतना ही है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।